हेलो एंड वेलकम टू आवर न्यू व्लॉग। तो फिर आज हम चलते हैं बदानी ताल। लास्ट व्लॉग में मैंने बताया था कि आज हम बदानी ताल जाएंगे, तो चलो चलते हैं। मौसम देखिए मेरे पीछे कितना अच्छा वक्त है। तो अब हम सोच रहे हैं क्या करें, बस ये बारिश रुक जाए फिर हम चलते हैं बदानी ताल के लिए। अब वेट करना पड़ेगा थोड़ी देर जब तक बारिश नहीं रुकती है। चलो देखते हैं फिर क्या होता है। जाते हुए एक और बेहतरीन झरना दिखाया हमें, तो मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए तो अभी बदानी ताल जाते हुए यहाँ पे रास्ते में और भी बहुत सारे झरने हैं। देखो जैसे मेरे पीछे ये एक और झरना है। चलो चलते हैं। अभी हमें जाते हुए एक और बहुत इंटरेस्टिंग चीज मिली है, दिखिए आप लोगों को भी दिखाता हूँ। ये देखिए पहाड़ और पहाड़ के अंदर घर। ये पहाड़ है और पहाड़ के अंदर वो दरवाजा है लोगों के घर का। और ऐसी इन्होंने बाउंड्री कर रखी है पत्थरों की। और पीछे देखिए कितना बड़ा पहाड़ है और उस पहाड़ के वहां अंदर है घर। तो बहुत सारी नई नई इंटरेस्टिंग चीजें देखने को मिल रही हैं। चलो आगे चलते हैं कि अब तक और भी कुछ अच्छी अच्छी चीजें मिल जाएं देखने को, तो चलो चलते हैं। सो हम भाई एक और बहुत सुंदर जगह में रुके हैं। पहाड़ों के बीच में एक प्लेन फील्ड है और वहां लोगों का गांव है। बहुत ही सुंदर जगह में बसा हुआ है। पहाड़ों के बीच में एक प्लेन मैदान और वहां पे लोगों के घर। ये देखिए हाँ क्रिकेट तो खेलते होंगे। वहाँ पे वॉलीबॉल का कोर्ट भी लगा हुआ है और यहाँ पे लोगों ने अपनी गायें छोड़ रखी हैं चरने के लिए। उन गायों को भी कितना अच्छा लगता होगा ना यहाँ पे घास चर के। और ये एक गांव है छोटा सा और ये उनका फील्ड है। तो चलो हम चलते हैं। अभी तो हमें थोड़ा और आगे जाना है बदानी ताल पहुंचने के लिए। चलो फिर चलते हैं। सो अभी हम खलियान बांगर गाँव में जा रहे हैं और यहाँ से बदानी ताल 2 किलोमीटर का रास्ता है। और लंच टाइम हो गया है तो अभी हम पहले यहाँ लंच करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से बदानी ताल के लिए चलेंगे। चलो फिर चलते हैं। ऐसी वादियों के बीच में एक सुंदर सा गांव। वो ऊपर पे वहाँ पे हेलीपैड भी बनाया, अभी मैं आपको जाते हुए दिखाऊंगा। और बहुत ही ये सुंदर गाँव है। चलो फिर मिलते हैं। जा रहे हैं हेलीपैड देखने। और ये गांव देखो कितना बहुत ही सुंदर गांव है। और अभी हम यहाँ पे लंच करने के लिए रुके हैं क्योंकि लंच टाइम हो चुका है, 1:30 बज गए हैं। और लंच करने के बाद हम चलेंगे बदानी ताल। उसके बाद हम जरा उधर ऊपर चलते हैं और वहाँ मेरे पीछे घोड़े भी हैं पर हम उनकी सवारी नहीं कर सकते है ना। चलो चलते हैं ऊपर। तो ये है हेलीपैड, इतना कुछ खास तो नहीं है, बस सिंपल कर रखा है इन्होंने हेलीपैड उतारने के लिए। और मेरे पीछे बहुत अच्छे अच्छे नजारे हैं। और अभी हमें बदानी ताल के लिए वहीं जाना है, तो हम खाना खा के चलते हैं और बदानी ताल में मिलते हैं। चलो चलते हैं। बाकी बहुत सुंदर सुंदर यहाँ नजारे हैं, बुग्याल बहुत अच्छे अच्छे हैं और मौसम भी काफी ठंडा है और ऊपर से बारिश भी हो रही है और रास्ते में कोहरा भी लगा हुआ है बहुत। तो चलो चलते हैं।
हमने खाना खा लिया है और अब हम जा रहे हैं बदानी ताल की तरफ, तो चलो चलते हैं। अभी हम जा रहे हैं बदानी ताल, और बदानी ताल जाते हुए देखिए एकदम बहुत ही अच्छा नजारा आ चुका है, पूरे माउंटेन्स ही माउंटेन्स दिख रहे हैं वहाँ पे। गाड़ी का रास्ता हो चुका है खत्म और यहाँ से थोड़ा 5-10 मिनट की पैदल चलना पड़ेगा हमें और फिर हम पहुंच जाएंगे बदानी ताल में, तो चलो चलते हैं। फाइनली वी हैव रीच बदानी ताल, आप लोगों को दिखाता हूं अभी, जस्ट वेट अ मोमेंट। हियर इट इज, हाँ मछलियाँ, कितनी बड़ी बड़ी मछलियाँ देखा। सो ताल में मछलियों को चारा डालने से पहले हम कर लेते हैं मंदिर के दर्शन, और इसके बाद हम मछलियों के लिए चावल लेके आ रखे हैं, वो हम डालेंगे मछलियों को। सो फाइनली हम पहुंच गए हैं बदानी ताल में, और भैया जी अभी चावल डालते हुए, ये है बदानी ताल, बहुत अच्छा व्यू और बहुत अच्छा ताल, और यहाँ पे कलरफुल फिशेस उन्होंने डाल रखी हैं। चलो आप डालो, ओ बहन को बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बहुत बड़ी बड़ी हैं भाई, आप लोगों में दिखाता हूँ। हम बैठ के मछलियों को चावल डाल रहे हैं, ये हम चावल डाल रहे हैं मछलियों को, और इतनी सारी मछलियां यहाँ पे आ रही हैं। दिखाना मेरे को, दिखाना डालते हुए कैसे डाल रहे हैं। कितनी सारी मछलियां हैं यार यहाँ पे, कलरफुल, आगे डाल दो थोड़ा, बढ़िया वहां पकड़ लेंगे बड़ी। दिस इज द बदानी ताल, एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। आप लोगों के लिए इतनी मेहनत करते हैं यार, सब्सक्राइब तो कर दो प्लीज। सी यू इन द नेक्स्ट एंड वेरी इंटरेस्टिंग व्लॉग, बाय बाय। देखो मुझे ये देखो कितनी सारी मछलियां हैं, ये रेड कलर की रेड रेड फिशेस, ये देखिए हमारे मुंह में आ गए यहाँ पे, तो नहीं आप निकाल दो मछलियों को, कितनी सारी मछलियां हैं एंकर, लेकिन इनको पकड़ना हाँ मना होगा, कितनी बड़ी बड़ी हो रही है ना तभी तो, और होंगे आगे। ये है ताल और ये बहुत, ओहो वाओ, कैन वे यहाँ पे मेरी फोटो खींचना है, दो दो थोड़ा और, अब वो बहुत बड़ी बड़ी होंगे ना, वो आ नहीं रही यहाँ पे डर के मारे कुछ, अभी आएंगे धीरे धीरे, उनको मालूम पड़ेगा ना। ले तो नीचे मत गए ना ऐसे, ये मैं एक ही बार ऐसे डाल दूंगा, ऐसे ऐसे डालना सीधे, कैसे आ रही हो अच्छे से मजे ले आराम से, फिशेस फिशेस दिख रही तेरे को, ये देखो ना इतनी बड़ी बड़ी मछलियां हैं, ये देखो पास में बुला दिया, हाथ से पकड़ लेंगे उन्हें, ना दे अभी मत करो यार, भाग जाएंगे नहीं आएंगे, बैठो मेरे हाथ में टच करा उसने, डर भी लग रहा है भयंकर, कुछ और जानवर निकल के हाथ ना खींच ले, इसका पूछ पकड़ लिया, सब ये भी गिर गए ना, मेरे ना खाने के लिए।
अभी एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुई है, मैंने आज तक कभी जोंक नहीं देखा था अपनी जिंदगी में, तो मेरी इच्छा थी कि मैं कभी ना कभी अपने जिंदगी में एक बार जोंक देखूं, और अभी दिखाता हूं मैं आप लोगों को। ये देखिए, ये है जोंक। भाई तो पूरे खून के वो निकाल दे, ओ भयंकर, ये तो चिपक गया मेरे पैर में। ओ भयंकर यार, वो लाओ एक माचिस लाओ, उसको जलाते हैं भाई। गॉड, बहुत खतरनाक चिपका हुआ है। उसको मार रहे क्या? ओ बेटा, बहुत खतरनाक चिपका हुआ है, देखो खून निकाल दिया इसने। ये देखो, ये देखो, देखो 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 कैसे खून चूस निकले मेरा। बहुत चिकना हो रखा यार, ये पूरा खून चूस के मेरा मोटा हो गया इतना। छोड़ मेरा खून, हट। ये है देखो वो जोंक। ओ भयंकर, कैसे लंबा हो रहा है ये। ओ बेटा, यहाँ देखो इसने खून निकाल दिया यार। आपके पैर में भी यही चिपका था मुझे लग रहा है। कितना खून चूसता है, कैसा खूनी जानवर है। ओ बेटा, यहाँ देखो, ये देखो चलता है बेटा, यहाँ देखो पूरा खून निकाल दिया इसने भयंकर। मेरे पाँव से निकला कैसे फिर बाहर? हट है? मेरे पाँव से बाहर कैसे? ये मेरे पैर पूरा खूनम खून कर दिया है इस खूनी जानवर ने, जिसका नाम है जोंक। ये देखो कैसे टपक रहा है खून। अभी इनके पैर में भी लगा था, अब तो ठीक हो गया। वो दिखाओ जरा।